फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं मायके पहुंच गई हूं और वेट कर रही थी मैं भैया का, क्योंकि भैया गाड़ी लेके आए थे। ये मैं देखिए घर पहुंच गई हूं और यहाँ ये भाभी जो मेरे साथ ही जा रही थी, तो ये भी हैं, आ गई हैं और आते ही लग गई हैं किचन में। तो सभी भाभी मिलकर किचन में खाना बना रहे हैं और मैं सबको सूट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये पीछे जो दिख रही हैं, ये तो पिंक साड़ी वाली, तो ये मेरी भाभी हैं, मतलब ये मेरी अपनी भाभी हैं। और ये जो देख रही हैं रेड नाइटी में, तो ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, यानी कि मेरे बड़े पापा की सबसे बड़ी बहू हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरे पापा चार भाई हैं, तो चारों भाइयों की है ना सभी ये बहुएँ हैं। और ये मेरा नाश्ता लग गया है फ्रेंड, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद छत पर भाभी के साथ में आई हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। क्योंकि मैं छत पर है ना, मतलब पहले जब मैं आई थी तो भाभी का नहीं, ऊपर मकान नहीं बना था, तो यहाँ मैं आई हूँ। थोड़ी देर बातें भी कर रहे हैं, कैसे क्या हुआ ये सब भाभी बता रही हैं, और मैं थोड़ा सा सूट भी कर रही हूँ चारों तरफ का। तो लोग भी फ्रेंड हमारे गाँव का खूबसूरत नज़ारा देखिए। और फ्रेंड्स, मैं पहली बार मायके का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं कभी मायके नहीं आई थी और मैं पहली बार अपने मायके का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत है हमारा गाँव फ्रेंड। जब मैं बहुत पहले आई थी तो यहाँ बहुत सारे कच्चे मकान थे, लेकिन अभी लगभग सारे पक्के मकान बन गए हैं। और यहाँ भाभी बोल रही हैं कि मेरा सूट मत कीजिए क्योंकि मैं नाइटी में हूँ, क्योंकि भाभी जानती हैं, सिर्फ यही भाभी जानती हैं मेरे चैनल के बारे में और कोई नहीं जानता। और ये देखिए फ्रेंड, और ये सामने ना एक पहाड़ दिख रहा है फ्रेंड, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंदार पहाड़ है, तो इसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है और धार्मिक स्थान है ये। और यहाँ मेरी छोटी बुआ और मेरी मम्मी, ये पिंक साड़ी वाली मेरी मम्मी हैं, तो ये भी बातें कर रही हैं। और मेरी मम्मी भी कल ही आई हैं, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं रहती फ्रेंड, वो दूसरी जगह रहती है मेरे मम्मी पापा लोग। क्योंकि यहाँ गांव में अभी जो ये घटना हुई है, मेरी भाभी की डेथ हुई है, तो उसी में आए हैं हम लोग सभी। और ये आ गई हूँ मैं चाची के घर, तो ये मेरी चाची हैं, तो इनसे भी मिल दीजिए। और ये छोटी सी इनकी क्यूट सी पोती है, बहुत प्यारी है, तो मैं चाची के पास आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे मायके में बहुत बड़ी फैमिली है, तो मैं सबका नहीं शूट कर पाई हूँ, लेकिन जब जब मौका मिला है मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ। मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ फ्रेंड, और मैं पहुँची तो सुबह ही थी, मतलब कितने बजे बताऊँ, वहाँ से 6 बजे ट्रेन थी और 8-8:30 बजे तक पहुँच गई थी मैं। 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है फ्रेंड, तो ट्रेन से आई थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। और उसके बाद जो होता है आने के बाद नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब हुआ, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा है कुछ भी फ्रेंड यहाँ, क्योंकि घर में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है माहौल। आप लोगों को मालूम ही है कि जो मैंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूँ, मैं अपने आई हूँ मायके और मैं पहली बार मायके का ब्लॉग शूट कर रही हूँ फ्रेंड। और ये मेरा गाँव का मायका है मेरा, मतलब जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे और मेरे पापा जहाँ जॉब करते हैं, वो तो दूसरी जगह है फ्रेंड, तो वो सिटी है और मैं यहाँ रहती हूँ। तो आई हूँ फ्रेंड यहाँ गांव में ही, मेरे बड़ी मम्मी की जो बड़े पापा की बहू है, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी का आज उन्हीं का साथ रात का आज आखिरी दिन है, तो उसी में मैं आई हूँ। तो अभी थोड़ा ना मतलब शाम हो गए हैं फ्रेंड, 4-4:30 बज गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा नहा के ना, बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि सफ़र से आने के बाद मैंने नहा नहीं पाई थी। वहाँ से तो मैं नहा के घर से निकली थी, बट यहाँ आने के बाद नहीं नहा पाई थी, क्योंकि फिर आने के बाद यहाँ कुछ कुछ हो रहा था तो वो मैं देखने लग गई। और अभी मैं नहाई हूँ शाम को फ्रेंड, शैम्पू करके, तो अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है हमें। तो मैं भी छत पर आई हूँ, थोड़ी देर टहलूँगी यहाँ, क्योंकि और अभी वहाँ वगैरह ना वो पूजा हो रहा है, श्राद्ध वगैरह ये सब जो नियम होते हैं फ्रेंड, मैं वहाँ नहीं शूट कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई बूढ़े बुजुर्ग तो है थे नहीं, वो जो भाभी थी तो मेरे से बहुत छोटी थी, मतलब मैंने बताया 1.5 साल की भी उसकी छोटी सी बच्ची है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी होगी वो, तो इसलिए मैं वो सब शूट नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। तो मैं यहाँ छत पर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से देखिए मैं छत पे से आप लोगों को दिखाती हूँ अपने पूरे गांव का नज़ारा। यहाँ भी मेरा हमारा बचपन बीता है, और मैं यहाँ ना गर्मियों, जब मैं छोटी थी
तो कभी कभी है ना साल में एक एक बार या कभी दो बार भी आना हो जाता था, ये दशहरा की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी या फिर होली की छुट्टी में आते थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड। और अभी तो नहीं आ पाते, अब तो शादी भी हो, शादी के बाद तो वैसे भी समय नहीं मिल पाता है, सब अपने में बिजी हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे गांव का नज़ारा, मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत गांव है हमारा, और हमारे यहाँ का मंदार पहाड़ जो बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता होगा मंदार पहाड़ के बारे में। जिसको नहीं पता फ्रेंड तो आप लोग गूगल में या यूट्यूब में कहीं भी सर्च कीजिएगा मंदार पहाड़ के बारे में, तो आपको पता चलेगा उसकी क्या है ना, वो मंदार पहाड़ की क्या स्टोरी है आपको पता चलेगा। नहीं तो मैं किसी ब्लॉग में ना आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मंदार पहाड़। देखिए हमारे छत से भी ये नहीं पर्वत दिखाई देता है पहाड़ फ्रेंड, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पहाड़ है, और इसके ऊपर है ना यहाँ टॉप पे जो ये मंदिर दिख रहा है ना, वो जैन मंदिर है। और रोपवे वगैरह का देखिए, रोपवे भी चल रहा है, शायद इसमें शो नहीं हो पा रहा होगा फ्रेंड, तो रोपवे वगैरह सब कुछ वहाँ व्यवस्था है, और सीढ़ी की व्यवस्था है, कैसे भी आप रोपवे से भी जा सकते हैं और सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो अभी तो हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे फ्रेंड, तो मैं मंदार पहाड़ नहीं जा पाऊँगी, मैं कभी और आऊँगी तो मैं वहाँ का आपको लोगों को ज़रूर टूर दूँगी। बहुत ही धार्मिक जगह है मंदार पहाड़। और ये मैं अपने घर का थोड़ा सा आपको मायके का टूर दे रही हूँ फ्रेंड, ऊपर से और नीचे से भी मैं थोड़ा सा दे दूँगी, और अच्छा भी नहीं लग रहा फ्रेंड अभी यहाँ शूट करना। और मैं यहाँ मायके मिक्स में बताई भी नहीं थी, मेरा ये चैनल है तो मैं थोड़ा बहुत ना जब भी मौका मिल रहा मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड। तो ये हमारे मायके का ना ये आगे वाला पोर्शन है, तो ये मैं ऊपर से थोड़ा सा मैंने लिया है, और मैं नीचे से भी थोड़ा सा लूँगी फ्रेंड दिखाऊंगी। तो चलते हैं फ्रेंड नीचे, और ये मैंने सबका कपड़ा ले लिया है, सबने छत पे सुखाया था तो मैं सोची सूख गई है तो मैं सबका ले चलूँ, और चल और ये देखिए फ्रेंड ये सेकेंड फ्लोर का ना ये छोटा सा बालकोनी है, कितना अच्छा कितना खूबसूरत, ये अभी नया ही मकान बनवाया है भाभी ने, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ठीक है। और अच्छे अच्छे ये देखिए ये सारे ऑनलाइन पौधे मंगवा के ना लगवाया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड।